यहां से ये देखिए ox2 इफेक्ट ox1 इफेक्ट, ये ox2 का ये आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल लाइव साउंड गुरु पे। जैसे कि आप देख रहे हैं YouTube चैनल लाइव साउंड गुरु, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रह रहा हूँ, लेकिन आज भी आवजा मिक्सर रिव्यू का पार्ट टू लेके आया हूँ, जो कि मुझे पहले कमेंट्स किया था कि इसमें इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट अच्छे नहीं है। आज मैं इफेक्ट ही आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इधर, ये देखिए, ये आवजा मिक्सर PMX 1032, ठीक है, ये 1032 इसका ही रिव्यू देने वाला हूँ। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज आवजा का PMX 1032 FX का रिव्यू देने जा रहे हैं। हमने पिछले बार भी आपको इसका रिव्यू दिया था, कुछ हमारे कमेंट्स आए थे साथियों के कि इसका अच्छे से, इसमें अच्छा इको नहीं है, लेकिन आज इसको मैं दोबारा से इसको आपको बताऊंगा और साथ में इको इफेक्ट भी इसके मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये XLR जैक, दो XLR जैक है, दो ये मोनोपोल जैक है, ठीक है, ये लेफ्ट राइट अपना इनपुट है यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद ये एक्स्ट ऑक्स सैंड एंड रिटर्न के लिए, जैसे एक्स्ट्रा हम दूसरा मिक्सर लगाना चाहें या फिर दूसरा वो क्या बोलते हैं इको लगाना चाहें, तो यहाँ से हम एक्स रिटर्न कर सकते हैं। और इसके वॉल्यूम यहाँ से ये देखिए, ऑक्स टू इफेक्ट ऑक्स वन इफेक्ट, ये ऑक्स टू का, ये ऑक्स वन ऑक्स टू का इफेक्ट है ये, ठीक है, ये एक्स सैंड एंड रिटर्न के लिए है हमारे, ये देखिए, ये हमारा डिले के लिए, डिले के लिए, और ये साथ में रिपीट के लिए है, और जो ये स्विच है ये इफेक्ट के लिए स्विच है, ये स्लाइड दिया हुआ है, ये इफेक्ट के लिए स्विच है, इसमें बहुत अच्छे फंक्शन है, ये मास्टर वॉल्यूम है दोनों, ठीक है जी, ये मास्टर वॉल्यूम है दोनों, ये सैंड रिटर्न के लिए, सैंड के लिए, ये सैंड ऑक्स वन सैंड और ऑक्स टू सैंड के लिए ये दो वॉल्यूम दे रखे हैं, और ये रिटर्न के लिए है दो, ऑक्स वन रिटर्न और ऑक्स टू रिटर्न, ऑक्स टू रिटर्न ऑक्स टू सैंड, दो वॉल्यूम ये हो गए, और ऑक्स वन रिटर्न और ऑक्स टू सैंड ये लिखा हुआ है। और यहाँ से ये देखिए, ये दो पिन है हमारे, ये रिकॉर्डिंग आउट के लिए है, जो भी हमारा प्रोग्राम यहाँ से होता है हम किसी भी सिस्टम में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ में प्लेबैक के लिए यहाँ से ये दिया हुआ है, और साथ में इसका वॉल्यूम भी दे रखा है, और ये फोन के लिए दे रखा है, अपना फोन एयरफोन के लिए यहाँ से एयरफोन का वॉल्यूम भी दे रखा है। चलिए इधर आ जाइए, अब ये एक स्टीरियो जैक है यहाँ से, ठीक है, स्टीरियो जैक हमारा लगता है जैसे कि हमारा ऑटो पैड और ऑर्गन वगैरह लगता है, तो दोनों एक साथ लगा सकते हैं, उसके लिए ये वॉल्यूम है। ये देखिए, ये गेन का है हमारा, ये यहाँ पे ये देखिए, ये गेन लिखा हुआ है, ये गेन का है, गेन को सेंटर में ही रखना चाहिए हमें, और बाकी ये HF यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी पतली साउंड के लिए, LF यानी कि लो फ्रिक्वेंसी मतलब बेस के लिए, और साथ में ऑक्स वन का और ऑक्स टू का ये वॉल्यूम दे रखा है इको इफेक्ट के लिए, और ये बैलेंस के लिए, लेफ्ट राइट का बैलेंस, इसको बिल्कुल सेंटर में रखिए आप, ठीक है। यहाँ से ये कुल मिला के 10 हम माइक इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, दो स्टूडियो और 8 मोनो के लिए, और ये मोनो के लिए सबके लिए XLR जैक दे रखा है, ये देखिए, ये XLR जैक है, साथ में ये लाइन के दे रखे हैं, जैसे हमें कोई सॉन्ग प्ले वगैरह करना होता है इससे हम सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। कुछ भाई क्या करते हैं कि XLR की जगह यहाँ माइक लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ माइकों की साउंड नहीं आती, ठीक है, यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा आपको अगर यहाँ माइक की साउंड लगाएंगे तो, मतलब यहाँ से अगर यहाँ आपको 100% साउंड मिल रही है तो यहाँ आपको 70% माइक की साउंड मिलने वाली है, तो आप यहाँ कनेक्ट ना कीजिए, आप यहाँ पे XLR लगाइए। और सबके ये देखिए, सबके माइक वन का वॉल्यूम ये दे रखा है, साथ में ये स्विच है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये साथ में ये इसका स्लाइड, ठीक है, ये स्लाइड दे रखा है, और साउंड इसका जो गेन है माइक का हमें कैसे सेट करना चाहिए, माइक का जो गेन है इसको हमें 30-35 के आसपास आप कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम गेन ना कीजिए, हो सकता है तो सेंटर में रखिए। ये HF ये देखिए HF लिखा है, हाई फ्रिक्वेंसी, ये HF है हमारा, ये HF मतलब पतली आवाज़ के लिए, पतली आवाज़ के लिए, जैसे ढोलक की चाटी वगैरह हम यूज़ करते हैं तो इससे हम पतली कर सकते हैं। और ये MF मिड फ्रिक्वेंसी, MF यानी कि मीडियम फ्रिक्वेंसी, इसको हम यहाँ रख सकते हैं सेंटर से थोड़ा ऊपर, ये लो फ्रिक्वेंसी बेस वगैरह के लिए, ये ढोलक के बेस के लिए, हम जिस माइक में बेस कम होता है उसका बेस बढ़ाने के लिए। और ये ऑक्स वन और ऑक्स टू इफेक्ट, ये देखिए, ये हमारा ऑक्स टू इफेक्ट के लिए, यहाँ से हम इसका जो ये है इफेक्ट अपना, यहाँ से अगर हम करते हैं तो सभी माइकों में इफेक्ट आ जाता है, यहाँ से इसको हम बढ़ाएंगे तो सभी माइकों में इफेक्ट आ जाएगा, और इफेक्ट आने से क्या है कि ये इफेक्ट का जो वॉल्यूम है इसको हम
यहाँ से भी कम ज्यादा हर एक माइक का कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए मैं चेक करवा के भी दिखाऊंगा। सबके नीचे देखिए सबके स्विच दे रखे हैं यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए, माइक ऑन ऑफ के लिए, और साथ में ये स्लाइडें हैं वॉल्यूम के लिए, माइक के वॉल्यूम के लिए कम ज्यादा करने के लिए। यहाँ से ये मास्टर वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम भी दे रखे हैं, ठीक है। और साथ में चलिए हम चेक करवा के दिखाता हूँ आपको। आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अभी यहाँ से ये माइक हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ से, और यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, और साथ में ये वॉल्यूम हम अभी सेंटर में ही कर देते हैं, सेंटर में। ये लेफ्ट राइट बिल्कुल सेंटर हो गया इसका। जैसे स्विच ऑन करेंगे और साथ में हम चेक करते हैं, हेलो 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 हेलो, अभी आवाज़ आ रही होगी आपके पास, हेलो हेलो आवाज़ पहुंच रही होगी आपके पास, अभी नॉर्मल साउंड आ रही है। चलिए इसके में इफेक्ट और डाल के देख लेते हैं। यहाँ से इफेक्ट का वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया, ये इफेक्ट का ऑन ऑफ है, ठीक है, ये हो गया। और साथ में ये इफेक्ट का वॉल्यूम, हेलो हेलो हेलो, ये इफेक्ट का वॉल्यूम ये भी हमें बढ़ाना है, और यहाँ से हम सेट कर लेते हैं, हेलो 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 हेलो। आप देख रहे हैं इसमें कितना रिपीट है, बहुत ज़बरदस्त रिपीट है इसमें, बहुत ज़बरदस्त रिपीट है। आप देख रहे हैं इसमें कितना रिपीट आ रहा है माइक का। पहले मैंने आपको इसका दिया था तो आप कह रहे थे कि इसमें इको नहीं है साउंड, इसमें रिपीट नहीं होती। अब देखिए, और वही देख लीजिए, पिछला वीडियो मेरा देखिए और ये वीडियो मेरा देखिए, PMX 1032 FX, उसी का ही रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। कितना आ रहा है देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से ये इसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इसका, और बस इतना ही मैं तो आपको ये सब दिखाना था आपको। बहुत अच्छा मिक्सर है, लीजिए यूज करिए, डीजे पे चलाइए, माइक पे चलाइए, कहीं भी यूज कीजिए, मल्टी पर्पज़ है वो, सस्ता मिक्सर है ये, आप जैसा चाहो उसको वैसा यूज कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट का ये वो है वॉल्यूम, ये बेस के लिए, ये बेस के लिए है, और ये आप इससे ट्रेबल कर सकते हैं, इससे मिड बढ़ा सकते हैं, देख लीजिए कैसी आवाज़ हो गई है, ठीक है। ये सब है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छा है, यूज कीजिए आप, यूज करेंगे जब ही पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको रिव्यू देना था दे दिया। आपने मुझे कमेंट्स में ये कहा था कि इसमें इसका रिपीट अच्छा नहीं है, अभी मैंने आपको यही दिखाया कि मैं इसका रिपीट ही दिखाया कि कितना रिपीट है इसके अंदर। हाले, हाले जाए, हाले, 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 हाले जाए। चलिए दोस्तों बस इतना ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यूट्यूब लाइव साउंड गुरु को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।